नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है द इन्वेस्टमेंट गुरुजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केमिकल सेक्टर के स्टॉक की जिसने पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टर को बहुत ही अच्छा और तगड़ा रिटर्न कमा के दिया है, इन्वेस्टर का पैसा बना के दिया है। तो दोस्तों, इस स्टॉक को आप मल्टीबैगर स्टॉक भी कह सकते हो जिसने पिछले 10 सालों में इन्वेस्टर को 18 टाइम्स रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, मैं जिस शेयर की बात कर रहा हूँ उसका नाम है विनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। ये एक बहुत ही अच्छा और बढ़िया कंपनी है। इसके यूनिक प्रोडक्ट की वजह से इसने पूरे वर्ल्ड में एक अपना अलग प्रेजेंस बना के रखा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इसके टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ हम लोग बात करेंगे इसने पिछले एक साल में, 5 साल में और 10 साल में कितना रिटर्न दिया है, एज वेल एज इसके क्या प्रोडक्ट है जिसके वजह से ये कंपनी यूनिकली आइडेंटिफाई होती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ इस बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमेशा हमारे लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस मल्टीबैगर स्टॉक की पूरी जानकारी। तो चलिए दोस्तों, फटाफट देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों, ये कंपनी बिलोंग करती है केमिकल सेक्टर से। ये कंपनी का मेजर मैन्युफैक्चरिंग है केमिकल्स और स्पेशल ऑर्गेनिक्स बनाती है। ये पर्टिकुलर जो केमिकल्स है वो यूज़ होते हैं डिटर्जेंट में। इसी के साथ पर्सनल केयर प्रोडक्ट जैसे कि पाउडर, सनस्क्रीन, लोशन, उस टाइप के प्रोडक्ट्स में भी इनके केमिकल यूज़ होते हैं। इसी के साथ ये क्रॉप प्रोटेक्शन में, कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन में, मेडिकल फील्ड में या फिर वाटर ट्रीटमेंट एप्लीकेशन में इनके प्रोडक्ट्स जो है वो यूटिलाइज होते हैं। दोस्तों, ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी 1989 में। इस कंपनी का करंट हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके दो प्लांट्स हैं, दोनों महाराष्ट्र में, एक है रायगढ़ में, दूसरा है रत्नागिरी में। जो भी ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो सर्टिफिकेशन के हिसाब से बनाते हैं, यानी कि उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी एज वेल एज़ प्योरिटी ये मेंटेन करती है। दोस्तों, इस कंपनी का प्रेजेंस वर्ल्ड वाइड है। एज ऑफ नो ये कंपनी US, यूरोप और एशिया रीजन को अपने जो प्रोडक्ट्स ये केमिकल्स है वो एक्सपोर्ट करती है। दोस्तों, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले इन्वेस्टर को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कंपनी क्या प्रोडक्ट्स बनाती है या फिर कैसे उसके प्रोडक्ट्स के दम पे ये कंपनी एक अलग स्थान या जगह बनाती है। दोस्तों, विनाति ऑर्गेनिक्स ने अपने स्पेशलिटी केमिकल प्रोडक्ट्स के दम पे मार्केट में एक मोनोपोली बनाई है। दोस्तों, विनाति ऑर्गेनिक्स के मेजर प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। जो भी केमिकल प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है उसमें वो 99.97% प्योरिटी ये मेंटेन करती है। इसके अगर एक प्रोडक्ट की बात करें हम लोग SMAS, तो ये प्रोडक्ट ग्लोबली बहुत कम कंपनीज बनाती है और इंडिया में एक में वो ये कंपनी है जो ये प्रोडक्ट्स बनाती है। दोस्तों, इसी की तरह इसका दूसरा प्रोडक्ट है ATBS, जो यूज़ होता है पर्सनल केयर इंडस्ट्री में, डिटर्जेंट में, क्रॉप प्रोडक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड मेडिकल इंडस्ट्री में। दोस्तों, ये प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 कंपनीज बनाती है जिसमें विनाति ऑर्गेनिक्स एक है। दोस्तों, मैंने इतने डिटेल्स में ये इस कंपनी के प्रोडक्ट इसलिए बताए क्योंकि आपको पता चल जाए कि कितने यूनिक प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है और इन चीज़ों के दम पे आने वाले सालों में भी ये कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न देने का दमखम रखती है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कंपनी के टेक्निकल डिटेल्स। कंपनी का 7500 करोड़ का बेहतरीन मार्केट कैप है। कंपनी का करंट पी है 30 पे, इंडस्ट्री पी चल रहा है 44 पे। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कंपनी पी को इंडस्ट्री पी से कंपेयर करें तो आप देख सकते हो अच्छे क्वालिटी और अच्छे वैल्यूएशन का स्टॉक हमें कम प्राइस पे मिल रहा है। दोस्तों, इसका करंट EPS है 49। कंपनी की फेस वैल्यू की बात करें तो करंट फेस वैल्यू चल रही है 2 रुपये पे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने पिछले एक साल का ग्राफ लिया है, प्राइस एक्शन लिया है। आप देख सकते हो इस कंपनी ने बेहतरीन 82% का रिटर्न पिछले एक साल में डिलीवर किया है। अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो बहुत सारे दिग्गज शेयर्स भी बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, लेकिन दोस्तों बेयरिश मार्केट होने के बावजूद इस कंपनी के प्रोडक्ट्स मोनोपोली की वजह से इस कंपनी ने 82% का एक बेहतरीन रिटर्न डिलीवर किया है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग इस कंपनी के पिछले 5 साल के परफॉर्मेंस के बारे में। अगर हम लोग इसके 5 साल के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसने पिछले 5 सालों में अराउंड 455% रिटर्न दिया है। अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से भी कैलकुलेट करें दोस्तों, तो इसने 91% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से आपको रिटर्न दिया है एवरी ईयर। तो इस हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा और बढ़िया रिटर्न यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग पिछले 10 साल की बात करें तो 10 साल में इसने 1846 का रिटर्न दिया है। तो अगर हम लोग 10 साल के प्रस्पेक्टिव के हिसाब से भी देखें तो सिंपल इंटरेस्ट इसका कैलकुलेट होता है 184%। तो इस कंपनी ने पिछले 5 साल में, 10 साल में या 1 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है ड्यू टू इट्स फंडामेंटल एज वेल एज़ यूनिक प्रोडक्ट्स के दम पे इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर किया है।
दोस्तों यहाँ पे कंपनी के पिछले कुछ सालों का फाइनेंशियल प्रॉफिट लॉस फिगर्स आप देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, एक है इंटरेस्ट और दूसरा है नेट प्रॉफिट। दोस्तों कंपनी का वर्चुअली डेट फ्री होने के कारण कंपनी का इंटरेस्ट बहुत ही कम यानी कि ना के बराबर है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेट प्रॉफिट। अगर आप 2007 से 2018 का नेट प्रॉफिट देखोगे तो ये हर साल बढ़ रहा है। ये फाइनेंशियल फिगर्स एक अच्छे और बेहतरीन कंपनी को इंडिकेट करता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की। 35 म्यूचुअल फंड्स है जो विनती ऑर्गेनिक्स को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं। अगर हम लोग कुछ टॉप म्यूचुअल फंड हाउसेज की बात करें तो जैसे L&T, टाटा, कोटक, HSBC या फिर एडलवाइस जैसे टॉप म्यूचुअल फंड हाउसेज इस जेम को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है जो 33 लाख शेयर्स है वो इस विनाती ऑर्गेनिक्स के म्यूचुअल फंड ने अपने पोर्टफोलियो में होल्ड किए हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी विनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।